हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। उन्नाव से आ रही बड़ी खबर आपको बता दें, उन्नाव में इन दिनों रात होते ही गांव हो या शहर, हर जगह हाथों में लाठी डंडे लिए हुए लोग गश्त करते हुए दिखाई पड़ जाते हैं। इस दौरान चोर चोर का शोर हर जगह सुनाई दे रहा है। उन्नाव शहर में मंगलवार रात ऐसा ही शोर सुनने को मिला। शहर के चटाई मोहल्ले में 3 चोर एक घर की छत पर कूद पड़े। इस दौरान किसी ने शोर मचा दिया, जिसके बाद पूरे मोहल्ले में हड़कंप मच गया। गुस्साए लोग लाठी डंडे लेकर चोरों की तलाश में निकल पड़े। मोहल्ले वासी के अनुसार चोरों ने काले कपड़े पहन रखे थे और उनके हाथ में चाकू भी था। स्थानीय निवासी ने बताया कि 3 चोर अचानक छत पर कूद पड़े और वहां से नीचे को उतरने का प्रयास करने लगे। मोहल्ले के लोगों ने जब इसे देखा तो वो सतर्क हो गए और चोरों को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन चोर वहां से फरार हो गए। इस बात से पूरे मोहल्ले के लोगों में दहशत का माहौल है। घरों में बैठे लोगों की नींद उड़ गई। लोगों ने पूरी रात जाग कर गुजारी। मिल रही जानकारी के मुताबिक उन्नाव सदर कोतवाली के चटाई मोहल्ले में मंगलवार रात उस वक्त हड़कंप मच गया, जब चोर चोर का शोर करते हुए कुछ लोग भागते हुए दिखाई दिए। मोहल्ले के बाहर खड़े लोगों ने छतों की तरफ इशारा करते हुए बताया कि काले कपड़े पहने 3 चोर छत में कूदे थे, उनके हाथ में चाकू था। इस दौरान किसी ने उन्हें देख लिया, जिसके बाद वो फरार हो गए। वहीं चोरों के आने की आवाज सुन मोहल्ले के कई लोग लाठी डंडे लेकर चोरों को पकड़ने के लिए निकल पड़े। स्थानीय लोगों ने बताया कि ये पहली बार नहीं है जब इस क्षेत्र में चोरी की कोशिश की गई है। इससे पहले भी कई बार इस मोहल्ले में संदिग्ध गतिविधियां देखी गई हैं। लोगों का कहना है कि अब उन्हें अपने घरों में भी डर महसूस होता है। मोहल्ले के लोगों ने बताया कि हम हमेशा सावधान रहते हैं, लेकिन यह घटना हुई है जिससे हम सभी चिंतित हैं। वहीं जब इस बात की सूचना लोगों ने पुलिस को दी तो मामले की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय चौकी से संबंधित अधिकारियों को मौके पर भेजा गया। पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है और चोरों के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है। पुलिस ने मोहल्ले में गश्त बढ़ाने का भी आश्वासन दिया है, ताकि स्थानीय लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। इसके साथ ही पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वो अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि के बारे में तुरंत पुलिस को सूचित करें। पुलिस ने कहा कि सभी को एकजुट होकर इस तरह की घटनाओं के खिलाफ खड़ा होना होगा और एक दूसरे की मदद करनी होगी। संवाददाता अजय द्विवेदी की रिपोर्ट, उन्नाव, यूनिज यूपी।